अपने मन से बात कही है। याद रहे पितरों का ऋण है तुम सब पर, हम सभी पर, हमें तर्पण करना चाहिए। यह हमारी संस्कृति नहीं कि हम बाप को कैद खाने में डाल करके और बादशाह बन जाए। मां बाप जिंदा है तब तक तो उनकी सेवा करें ही करें, लेकिन मां बाप दिवंगत हो जाए तो उसके बाद भी श्राद्ध करें, तर्पण करें, उन्हें याद कर करके उनकी स्मृति में अच्छा काम करें। लोग मां बाप के नाम से कॉलेज खुलवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, ये तर्पण है। याद रखो उन सब का ऋण है तुम पर। पितृपक्ष है, आप अपने अपने घरों में श्राद्ध करोगे, और श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भागवत में लिखा है श्राद्धे कुरियान्न विस्तरम, श्राद्ध में बहुत ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने 150 ब्राह्मण जिमाए, कोई आवश्यकता नहीं है, दो ही जिमाओ, लेकिन सुपात्र को जिमाओ, सात्विकता से जिमाओ, अपने घर पर पकाकर जिमाओ। आजकल कई लोग पैसा दे देते हैं, पंडित जी जिम लेना, श्राद्ध में विस्तार मत करो। श्राद्धे कुरियान्न विस्तरम, पितरों का तर्पण, और यहां यज्ञ